हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं, एड्रेनलिन रश अपने टॉप पे जा चुका होगा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इजी होंगे या डिफिकल्ट होंगे, कैसा पेपर होगा, क्लियर होगा या नहीं होगा, सिलेबस पूरा हो गया है, करंट अफेयर्स पता नहीं कैसे आएंगे, सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता। गाइज आई कैन वेरी वेल फील यू। आज से 3 साल पहले मैं भी बिल्कुल सेम पोजिशन पे था। बहुत सारा डर, बहुत सारा टेंशन और सारी दुनिया का प्रेशर इस टाइम पे आपके सर पे होगा। बहुत ज्यादा लो फील कर रहे होंगे बच्चे गाइज, पर चिंता वाली कोई बात नहीं गाइज, वी ऑल विल गेट थ्रू दिस एंड हम सबका एडमिशन होगा गाइज, सबका एडमिशन होगा, चिंता ना करें। एग्जाम वाले दिन आई विल बी देयर विद यू गाइज, मैं अन अकेडमी की पूरी टीम आप लोगों के साथ है। मैं आप लोगों को आई विल बी विजिटिंग दी रीमल पब्लिक स्कूल सेंटर जो रोहिणी में है, एंड वहाँ पे हम लोग आएंगे, बच्चों से बात करेंगे, देखेंगे कि भाई जो बच्चे लो फील कर रहे हैं कैसे उनको बूस्टअप चेयरअप करने की कोशिश करेंगे, एंड विल मेक श्योर कि वो बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में जब घुसे वो पूरे कॉन्फिडेंस अपने एग्जाम को अटेंड करे, एंड अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वहाँ पे वो भी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो गाइज मिलते हैं हम लोग एग्जाम वाले दिन रीमल पब्लिक स्कूल में रोहिणी, एंड गाइस चिंता वाली कोई बात नहीं है, जो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है हर बच्चे का एग्जाम क्लियर होगा। अगर आपने अपना 100% दिया है तो एग्जाम भी आपको 100% वापस देगा, एंड आपका एग्जाम पक्का पक्का फॉर श्योर क्लियर होने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ छोटे से अगर इस टाइम पे मेरे से टिप्स एंड ट्रिक्स मांगोगे तो आई वुड से कि कुछ नए टॉपिक्स ना पढ़ें, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहें, दिन में सोने की आदत ना डालें, दिन में ना सोएं एग्जामिनेशन क्योंकि दिन में होगा, एंड थोड़े थोड़े मॉक्स और क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करते रहो, एंड ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम स्टडिंग न्यू टॉपिक्स, नई चीज़ों पर अभी मत जाना। हाँ, थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स पढ़ते जाओ, बस दैट्स ऑल। अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री रखो, सारे स्ट्रेस को बिल्कुल अलग कर दो, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सबका एग्जाम क्लियर हो रहा है। हमने भाई इतनी मेहनत की है, आपने मैंने पूरी अन अकेडमी पूरी फेटर्निटी ने इतनी मेहनत की आप लोगों के एग्जाम्स के लिए गाइस। ये सिर्फ आपका एग्जाम नहीं है, ये हम सबका एग्जाम है, इसीलिए एग्जाम वाले दिन मैं मेरी पूरी टीम वहां पे आके आप लोगों से मिलेगी, एग्जाम से पहले मिलेगी, एग्जाम के बाद मिलेगी, कैसा एग्जाम हुआ सारी चीजें, तो ताकि आप लोगों को एक पल के लिए एक सेकेंड के लिए भी ये ना लगे कि इस एग्जाम में आप लोग अकेले हो। नहीं, ये सिर्फ आपका नहीं, मेरा, मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर जिनसे जिन्होंने आपकी हेल्प की है इन दिस हार्ड टाइम्स, सबका एग्जाम है, एंड वी विल गेट थ्रू दिस ऑल टुगेदर, सब मिलके इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारने गाइस, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक